पहले ही बोल दिया है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मंत्री पद एक्सेप्ट कम से कम हम नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई कानूनी वार्ता नहीं है, दरोगा प्रसाद राय, विराज पांडे मुख्यमंत्री होते हुए भी बाद में मंत्रालय उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, अपना सिद्धांत है, हम गरीब आदमी हैं लेकिन एक सिद्धांत पर चलते हैं। और इस चीज़ को हम मान लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और 2015 में भी बात आ रही थी, वो ही नहीं किया, राज्यपाल बनाने के लिए भी बात आ रही। कांग्रेस ने क्या कहा है ये हमको जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से बातें आ रही है तो उसको हम झूठी बात भी नहीं समझेंगे, लेकिन जहाँ तक टिकट में बंटवारे में गड़बड़ी का सवाल है, इस पर तो प्रश्न बहुत पहले से उठते आ रहा है। स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने भी कहा वहाँ टिकटों की बिक्री होती है, तो उसी प्रकार से इस बार भी हमको पता है कि 1 करोड़ रुपया दे करके टिकट दिया गया है, वैसे आदमी को जो कि चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में गया, तो जहाँ पैसा का कंसिडरेशन है वहाँ पर अप्रोप्रिएट उम्मीदवार खड़ा कैसे होगा। तो इसके चलते भी हार की बात कांग्रेस वाले ने किया है, तो हम समझते हैं इसमें कोई दम है। रही बात कांग्रेस के चलते कोई ऐसी बातें हुई है, दीपांकर जी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सीट क्या उनको मिलनी चाहिए, कितनी सीट मिली, कितने जीते, ये तो उन लोगों की समीक्षा का मामला है। मानते हैं कि महागठबंधन में बिल्कुल इस हार के बाद बिल्कुल टूट जैसी स्थिति हो गई, स्वाभाविक है। कहीं कोई पार्टी में कोई लड़ाई में जब चुनाव हार जाता है लोग, तो एक न एक ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने की कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ ठिकरा फोड़ने की बात नहीं है। यहाँ तो पहले ही हम लोग कह दिया था कि तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यूनिलैटरली एक पार्टी ने तय किया था, वो सबको मान्य नहीं था। बड़ी अच्छा होता जो हम सजेशन दे रहे थे कि सभी पार्टी के लोगों को बुला लीजिए, बुला करके आपस में तय कर लीजिए, तय करके डिक्लेयर कीजिए, तो ये तो उन लोगों को मान्य नहीं हुआ, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो यही बुद्धि के चलते तो उस समय महागठबंधन था, उसमें टूट हुई, चाहे हम आए उपेंद्र जी आए या सहनी जी आए आगे। अब इन लोगों के हटने से महागठबंधन मजबूत हुआ ये कोई कह नहीं सकता है, वो तो निश्चित है कि इससे घाटा हुआ। तो जो घाटा का सौदा कर जो नेतृत्व कर रहा है उसको तो नहीं करना चाहिए, उसको तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कोई प्रयास किया नहीं, तो इसलिए। और उसका खास कारण यही था कि अगर प्रयास होता, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती, तो जो टिकट की बिक्री हुई है तो पैसा देकर के लोग टिकट ले गए हैं, और ले गए हैं तो कहाँ तक सक्षम होंगे क्षेत्र में, ये जानने की समझने की बात है। अच्छा मानते हैं सर कि आने लेकिन मांझी साहब महागठबंधन की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, उनका कहना है कि कई जगहों पर जो है चाहेंगे कि कांग्रेस के लोग विचार करें, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और चलेगी भी, और नीतीश कुमार बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य हित में नहीं है, उसको इन्होंने नकारने का काम किया है, बहुत सलीके से किया है, और गठबंधन में भी हैं, तो इतना विश्वास ज़रूर करना चाहिए कांग्रेस वालों को कि नीतीश कुमार के पल्ले में रह करके अगर सरकार बनाने में सहयोग देते हैं तो जो उनका नीति है उस नीति से बहुत दूर नीतीश कुमार नहीं है। आइए ना सर को दीजिए ना आप सर को जी जी कल कहिए आ
देखिए वो हम ही नहीं विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, राजद वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, नया चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक कर रही है। अकेले हम थे तो एक बात थी, आज हम लोग पांडव हैं, पांच हैं, एक से पांच में और चार ही पाँच लोग बैठ करके हम लोगों ने आज तय किया और सम्मिलित रूप में मुख्यमंत्री जी को हम लोग जीत की बधाई देने जा रहे हैं। कब ऐसा लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद मिल गया? इसके बारे में तो बहुत पहले ही बोल दिया है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मंत्री पद एक्सेप्ट कम से कम हम नहीं करेंगे। हालांकि इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, दरोगा प्रसाद राय, विराज पांडे मुख्यमंत्री होते हुए भी बाद में मंत्रालय में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो लोग बड़े आदमी हैं, अपना सिद्धांत है, हम गरीब आदमी हैं लेकिन एक सिद्धांत पर चलते हैं और इस चीज़ को हम मान लिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2015 में भी बात आ रही थी, वो ही नहीं किया। राज्यपाल बनाने के लिए भी बात आ रही थी, हम वहाँ भी जाना उचित नहीं समझे कि मेरे नस में एक बुंद भी खून रहेगा, तो पब्लिक के बीच में हम गुजारेंगे, राज्यपाल बन के देखें ऐसा आराम कर। कब तक सर शपथ ग्रहण का कुछ अभी कुछ पता? अब वो तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो तय करेंगे। ठीक 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 है। ना भूलें